स्टूडेंट प्रश्नावली 6.2 का ये तीसरा सवाल है। इसमें दिया है कि ए बी रेखा सी डी के समांतर है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी के समांतर है और ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर हैं और ई एफ सी डी पर लंब है। जो ई एफ है वो सी डी पर लंब है, इसलिए 90 डिग्री का कोण है। अब कोण जी ई डी जो आपको दे रखा है, जी ई डी, ये पूरा कोण 126 डिग्री, यानी ये पूरा कोण 126 डिग्री दिया है। फिर साथ में कह रहे हैं कोण ए जी ई, यानी ये कोण आपको ज्ञात करना है, इस कोण का मान निकालना है। जी ई एफ, तो जी ई एफ यानी ये कोण आपको ज्ञात करना है, और साथ में आपको एफ जी ई यानी ये कोण भी ज्ञात करना है। तो तीन आपको कोण यहाँ पर निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ए बी रेखा ए बी सी डी के समांतर है जो कि प्रश्न में दिया है, और जी ई जो है वो इसकी तिर्यक रेखा है, जी ई इनकी तिर्यक रेखा है। अब चूंकि ये तिर्यक रेखा है तो आपको पता है कि अगर दो रेखाएं समांतर हो, ये इनकी तिर्यक रेखा हो, तो एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर कोण, इसलिए कोण ए जी ई जो होगा वो कोण जी ई डी के बराबर होगा। अब ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। अगर कोई दो रेखाएं समांतर हो और उनकी एक तिर्यक रेखा हो जो उनको दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो एकांतर अंतः कोण समान होते हैं। यहाँ पर कोण ए जी जो है ई वो जी ई डी के बराबर होगा, और कोण जी ई डी दिया हुआ है जो कि आपका 126 डिग्री है, इसलिए ये भी 126 डिग्री के बराबर होगा। अब आप देख सकते हैं चित्र में, कोण जी ई डी 126 डिग्री है जबकि कोण एफ ई डी 90 डिग्री है। तो अगर हम 126 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस कर दें तो हम कोण जी ई एफ निकाल सकते हैं। तो कोण जी ई एफ निकालने के लिए कोण जी ई डी में से माइनस करेंगे कोण एफ ई डी। अब कोण जी ई डी आप देख सकते हैं यहाँ पर 126 डिग्री है और कोण एफ ई डी 90 डिग्री है, जैसे इसे माइनस करेंगे तो ये 36 डिग्री आएगा, यानी कोण जी ई एफ जो है वो 36 डिग्री मिलेगा। इसके बाद कोण एफ जी ई निकालेंगे, तो एफ जी ई निकालने के लिए आप त्रिभुज एफ जी ई में देख सकते हैं, त्रिभुज एफ जी ई में चूंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कोण जी ई एफ प्लस कोण जी एफ ई प्लस कोण एफ जी ई, तीनों को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। आप देख सकते हैं कोण जी ई एफ जैसा कि आपने निकाला है ये 36 डिग्री के बराबर है। कोण जी एफ ई जैसा कि हमको पता है, ये जो कोण होगा जी एफ ई ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी डी समांतर है और ई एफ जो है सी डी पर लंब है, इसलिए ई एफ जो है वो ए बी पर भी लंब होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा। कोण एफ जी ई आपको निकालना है बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर 90 और +30 126 डिग्री होगा, प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। अब कोण 126 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो कोण एफ जी ई जो होगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री होगा। अब 10 में से 6 घटेगा 4, 7 में से 2 घटेगा 5, 1 में से 1 घटेगा 0, यानी एफ जी ई जो कोण निकलेगा वो 54 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो रेखाएं दी हैं, एक ए बी है एक सी डी है, और यहाँ पर ए बी और सी डी आपस में समांतर ए बी दिया है, साथ में ये दिया है कि एफ ई जो है वो सी डी पर लंब है। अब एफ ई सी डी पर लंब है, इसका मतलब है एफ ई जो है वो ए बी पर भी लंब होगी, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर है। यहाँ पर हम दिया है कि ए बी सी डी के समांतर है और जी ई इसकी तिर्यक रेखा हो गई। अब जब जी ई इसकी तिर्यक रेखा है, ए बी और सी डी समांतर है, तो इनके जो एकांतर अंतः कोण होंगे वे बराबर होंगे, यानी कोण ए जी ई जो होगा
वो बराबर होगा कोण जी ई डी के, और कोण जी ई डी यहाँ 126 दे रखा है, इसलिए कोण ए जी ई जो है ये कोण आपका बराबर होगा जी ई डी के, यानी 126 डिग्री का। दूसरी बात हम देख सकते हैं, यहाँ हमको जी ई एफ कोण निकालना है, यानी ये कोण निकालना है, तो इस कोण को निकालने के लिए अगर हम 126 में से 90 को माइनस कर देंगे तो ये कोण प्राप्त होगा। तो जी ई एफ निकालने के लिए कोण जी ई डी में से एफ ई डी को माइनस करेंगे, यानी 126 में से 90 माइनस करने पर 36 डिग्री आएगा। फिर त्रिभुज एफ जी ई लेंगे, त्रिभुज एफ जी ई में देख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो कोण जी ई एफ यानी ये कोण प्लस कोण जी एफ ई यानी ये कोण और प्लस कोण एफ जी ई यानी ये कोण, इन तीनों का योगफल 180 डिग्री होगा। अब जी ई एफ जैसा कि आप निकाल चुके हैं 36 डिग्री है, कोण जी एफ ई जो होगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर है और एफ ई जो है वो सी डी पर लंब है, इसका मतलब एफ ई जो है वो ए बी पर भी लंब होगी, तो ये 90 डिग्री हो गया प्लस कोण एफ जी। अब 90 और 36 को जोड़ेंगे 126 डिग्री आएगा, 126 डिग्री को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 180 में से 126 घटाने पर 54 डिग्री आएगा। धन्यवाद।